हेलो, मैं सुमित, आपका फिर से मेरा स्वागत है मेरे चैनल में एसटी लव। देखिए, आज हम लोग, इतनी बारिश हो रही है और हम लोग जा रहे हैं, और इसके जा रहे हैं तो उसके पीछे, इतनी बारिश में पीछे जा रहे हैं तो कोई रीज़न होगा, तभी जा रहे हैं। आपको जो रीज़न होगा आपको सुन के मज़ा आएगा, और हमारे अंदर की जो उत्सुकता है वो भी आपको लगेगी काफ़ी ज़्यादा है कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, इतनी बारिश में जा रहा हूँ, बहुत ही घनघोर बारिश हो रही है। तो आपको बताते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गेट जैसे जैसे हम लोग निकलेंगे, आगे हमारा इमामबाड़ा पड़ता है, ये देखते हैं, बाड़ा से होते हुए हम लोग चौक, चौक से आगे डालीगंज, और डालीगंज से आगे परिवर्तन चौक। आप देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आप अब देख लीजिए, आप लोकेशन देख रहे होंगे, हम लोग हजरतगंज यहाँ से 3 किलोमीटर बचा है। परिवर्तन चौक, परिवर्तन चौक से होते हुए गंज, गंज से सीधे जाएंगे श्री राम टावर, जहाँ से हम आईफोन 11 परचेज करने वाले हैं। देख सकते हैं कितना घना, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप लोग कह रहे हो पागल है, कितना बरसात में जा रहा है। यहाँ पे ऊपर से केडी बाबू स्टेडियम स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है। शायद पहुंच ही गए हैं, यही है ना, यही ना, जस्ट और पहुंच गए हैं। बस राइट में है श्री राम टावर, जहां से हम लोग परचेज करेंगे आईफोन 11। बने रहिए। आखिर हम लोग आईफोन लेके घर की ओर निकल लिए हैं, और बारिश भी बंद हो गई है। आप देख रहे हैं हमारी खुशी कि भाई आईफोन, भैया आईफोन। और इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग आपको शेयर करेंगे, घर जाके करते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा ये हो गया, मैं कुछ और लेने गया था और कुछ और ले लिया है। मैं लेने गया था आईफोन 11, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो 5G नहीं है। जब पता चला वो 5G नहीं है, तो मैंने फिर उसको रिटर्न किया वहीं पे, और फिर मैंने आईफोन 12 ले लिया है, जो उससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं। और भाई पूरी जेब खाली हो गई है। हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। ट्रैफिक काफ़ी हो गया है जब से बारिश बंद हुई है, लेकिन हल्की हल्की बारिश बीच बीच में चालू हो जा रही है। मैं अपना वाइपर ऑन कर लेता हूँ। और भाई मांग की गाड़ी लाई है, बरसात थी, आप देख ही रहे हो कितना जुनून है आईफोन के लेने के लिए। मेरा फ्रेंड है, उसकी गाड़ी ली, मैंने कहा अर्जेंट काम है, उसको भी मैंने बताया नहीं मैं आईफोन लेके आ रहा हूँ या लेने जा रहा हूँ। देख रहे हैं आप, मजा ही कुछ और है, बता नहीं सकते कुछ। जब आप लेंगे तो आप ही महसूस कर लेंगे क्या खुशी आईफोन लेने की। पानी बंद हो जा रहा है, फ्यूज चालू हो जा रहा है, पूरा लोग इतना भरा रोडों पे। अभी पीछे एक गाड़ी भी गड्ढा होगा उसमें अटक गई है, उसको खींचने के लिए उन्होंने अलग से क्रेन आई है, छोटी क्रेन है,
कोई बात ज़्यादा बड़ी क्रेन नहीं है, मैं भी बड़ा संभल के चला रहा हूँ भाई, दूसरे की गाड़ी है, कुछ हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जितना आईफोन लेने के लिए तरसे ना, उतना ज़्यादा फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं सामने, देखें कितनी खराब रोड है, ओह माय गॉड, पानी के कारण पूरा रोड खराब हो गई है। बारिश फिर चालू हो गई है, पता नहीं कब तक बरसेगा आज। बारिश नहीं बनती भाई, आज सुबह से बारिश हो रही है, बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है। देख रहे हैं किस तरह पानी में चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है बाढ़ ऐसी आ गई है। यहाँ से अब घर लगभग बचा है 7 से 8 व्यू का मजा लेते रहिए, और बरसात का मौसम है इसका तो अलग ही मजा है। और मेरा तो डबल डबल खुशी है भाई, एक तो आईफोन और बरसात, और बरसात में गर्म गर्म पकौड़ियाँ, चाय, मज़े ही कुछ दुगना हो जाएगा। घर में भी काफ़ी लोग खुश हैं, लोग यहाँ से मुड़े अभी जस्ट, क्योंकि मुझे लेना है मछली का दाना। देख रहे हैं बी अलर्ट भाई, वो लंबा चालान काटते हैं, थोड़ी सी चूक, भुगतान बहुत ही अधिक। ये देखिए ये पक्के पुल से होते हुए हम लोग आगे स्वाप है, फिर भाई ने आगे गाड़ी रोक दी है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे, ये पक्का पुल है, इसके नीचे गोमती नदी है, आप व्यू देख सकते हैं कितना गजब का व्यू है। फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, और आपको चलते हैं अपने रूम की ओर, और आपको दिखाते हैं कि फ़ोन कैसा है मेरा, देखते रहिएगा। If you like my video, subscribe and press the bell icon, and stay tuned for my next video.